गुड आफ्टरनून। आज हम लोग हीट एक्सचेंजर वाल पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। हीट एक्सचेंजर मतलब जो एफसीयू कूलिंग के लिए भी और हीटिंग के पर्पज़ से यूज़ किया जाता है उसे हम हीट एक्सचेंजर कॉइल बोलते हैं। अक्सर आप ये सुने होंगे एफसीयू का, एचयू का, एफएचयू का वाल पैकेजिंग, लेकिन एक से हीट एक्सचेंजर भी बोला जाता है। ये राइजर हमारा है, उसमें ऊपर में देख रहे हैं गेट वाल्व लगा के छोड़ा हूँ। यहाँ पर ऑटो एयर वेंट डालूँगा मैं वो बाद में, क्योंकि इस लाइन में जो ज़्यादा बेंड होने की वजह से ऑटो एयर वेंट जरूरी है हर लाइन में। बाकी ये दिख रहा है हार्ड इंसर्ट लगा रखे हैं, दो गेट वाल्व है आगे, ये लाइन आगे की तरफ गया जाने के बाद में हमारा यह एफएचयू रखा हुआ फैन कॉइल यूनिट। तो इसका हम डिटेल पढ़ेंगे क्या क्या कैसे कनेक्शन होता है। ये देखिए ये बीच वाला पार्ट बाईपास है, ये हम लोग जो लगा रखे क्लैविस हैंगर है सपोर्ट के लिए। पहले इसको गौर से देखिए क्या क्या चीज़ इसमें है, फिर बाद में मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूँगा। देखिए इसमें भी ये जो ऊपर में दिख रहा है ये टी लगा के छोड़ दिया हूँ, ये बिंडर टेस्ट पॉइंट है। इस ये जो है नीचे वाला ड्रेन कोक है, डीसी लिखा हूँ। देखिए ऊपर में जो इमेज है एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे हम लोगों ने वाल पैकेजिंग किया है। ये PICV है, प्रेशर इंडिपेंडेंट कंट्रोल वाल, और ये हमारे स्ट्रेनर है। जो भी फॉरेन पार्टिकल राइजर से लाइन से आएगा इसमें स्ट्रैप हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। ये दोनों हमारा टी पॉइंट से क्या लगाएगा, ये प्रेशर गेज टेम्परेचर गेज हम लोग लगाएंगे। ओके ये देखिए बाईपास में दिखाया गेट वाल्व और यूनियन, आप इंटरचेंज कर सकते हैं इधर गेट वाल्व और यूनियन, ये कोई रूल नहीं है। ये देखिए जूम करके मैं दिखाया हूँ, ये बिल्कुल हमारा ये PICV दिख रहा है। गौर से देखिए हर जगह मैंने ऑलमोस्ट 20-30 FCU का इमेज लिया है और सब में वाल पैकेज हम लोगों ने जो किया है उसको दिखाया गया है। ये जो हमारा यूनिट है ये हमारे यूनिट पेट्रक है, बहुत अच्छी कंपनी है। और जो नीचे वाला पॉइंट है वो सप्लाई जाता है और ऊपर से रिटर्न आता है। ठीक है देखिए लिखा होगा एयर इन एंड आउट। अच्छा ये रहा हमारा फ्लेक्सीबल है, ये 1 इंची का फ्लेक्सीबल है, फ्लेक्सीबल हॉर्स बोलते हैं, वो कंसल्टेंट बोला है इसको इंसुलेशन करने के लिए बाद में। अच्छा ये देखिए इसमें बहुत सारा बेंड होने की वजह से ऊपर में हम लोगों ने टी डाल करके यार ये देखिए हमारा ये आउट है, बोला तो ऊपर में आउट नीचे में इन होता है, इसमें लिखा भी रहता है जब आप इंस्टॉल करेंगे ना। ठीक है अभी टी लगा करके ये देखिए DC है, ड्रेन कॉक है, क्लियर। आगे वाला वही टेस्ट पॉइंट है, ये भी टेस्ट पॉइंट है। प्रेशर टेम्परेचर गेज लगा के हम लोग देखते हैं कितना से एयर आउट हुआ और इन हुआ। ये रिटर्न लाइन है, रिटर्न लाइन के पहचान के PICV डालते हैं और सप्लाई में स्ट्रेनर डालते हैं, ST बोलते हैं। ठीक है क्लियर। और टेस्ट पॉइंट याद रखना स्ट्रेनर के पहले और बाद में, और फिर PICV के आगे और पीछे दिखे दो दो, ये हमारे ये सारे स्ट्रेनर बोलते हैं। ये गेट व यूनियन है, एक और यूनियन उस तरफ है बाईपास के बाद, ये हमारा बाईपास लाइन है। जब फ्लशिंग करते हैं या फ्लशिंग के टाइम में लाइन में हम लोग ये दोनों गेट वाल बंद करके बाईपास खोल देते हैं, और ये लाइन क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे रस्टिंग होते हैं, रिमूव यूनियन हो गया, गेट वाल्व हो गया। काफ़ी इजी है, इसको प्रैक्टिस करें, इंटरव्यू में पूछा जाता है। ये जो हमारा पार्ट है इसको PICV बोलते हैं। ये वीडियो मैं 2020 में बना रहा हूँ, ये लेटेस्ट प्रोजेक्ट हमारा है, दुबई मॉल का है, दुबई हिल्स मॉल। ओके क्लोज व्यू से देखिए, कोशिश किया हूँ बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए। और FCU हमारा पेट्रा का डबल यूनिट भी है इसमें। अच्छा ये देखिए अभी हम लोग फ्लेक्सिबल लगाना बाकी रखें। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।